I'ma break your neck. तो हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, आज मैं करने वाला हूँ मेरे फ्रेंच टोस्ट की स्पीड टेस्ट। वैसे मेरे पैर इतनी अच्छे से जमे नहीं है फ्रेंच टोस्ट पे, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट्स आए थे कि इसकी स्पीड टेस्ट करो, तो मैंने सोचा जितना आता है उतने में ही स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। तो आज मैं दो प्रकार से स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, एक तो डाउन हिल में और एक नॉर्मल प्लेन रोड पर, जहाँ पर मुझे खुद को पुश करते हुए जाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डाउन हिल में तो आपको पता है मेरी MF 500 पर जो स्पीड आती है वो लगभग 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आई थी, एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा। और प्लेन रोड पर समथिंग 40 के समथिंग आती है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आती है। तो देखते हैं फ्रेंच टोस्ट के साथ में कितनी स्पीड आती है, क्या मैं इससे ज़्यादा क्रॉस कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। डाउन हिल में तो पक्का पता है कि हो जाएगा, लेकिन प्लेन सरफेस पर शायद दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेरे पैर जो है अभी इतने जमी नहीं है फ्रेंच टोस्ट के ऊपर। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है आगे जाकर। तो चलिए चलते हैं जहाँ पर हमको स्पीड टेस्ट करना है, तो और वहाँ पर जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं उतार में, और यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट पहले उतार में कर लेते हैं, उसके बाद में प्लेन रोड पर करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं डाउन हिल में क्या स्पीड आती है फ्रेंच टोस्ट के साथ में। तो चलिए फटाफट से मैं स्केट्स पहन लेता हूँ। तो गाइस अभी मैंने स्केट्स पहन लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ डाउन हिल में, और स्पीड जो है वो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो बताते रहेंगे बीच बीच में, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बीच बीच में इसका भी स्पीडोमीटर आपको दिखता रहेगा, तो पता चलेगा क्या स्पीड है। चलिए चलते हैं। गाइस यार, डाउन हिल में मेरी जो स्पीड आई है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है। मेरी MF 500 की जो स्पीड थी वो 48 थी, और यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में अंतर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड है इन स्केट्स की, बीच में मेरे पैर भी कांप रहे थे, तो मुझे लग नहीं था कि स्पीड इतनी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हो गई है। तो अब जाते हैं प्लेन वाली सरफेस पर स्पीड टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर क्या झंडे गाड़ता हूँ देखते हैं कितनी स्पीड होती है बराबर वाली सरफेस पर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं प्लेन वाले रास्ते पर, और यहाँ पर अब हम स्पीड टेस्ट करने वाले फ्रेंच टोस्ट के साथ में, कितनी स्पीड आती है देखते हैं। बस MF 500 से ज़्यादा आ जाए नहीं तो फिर फ्रेंच टोस्ट की भी बेइज्जती हो जाएगी मेरे साथ अगर कम स्पीड में आती है तो। चलिए फटाफट से जाते हैं और करते हैं स्पीड टेस्ट। तो बस ज़्यादा स्पीड आ जानी चाहिए, MF 500 की जितनी स्पीड थी उससे तो ज़्यादा ही आना चाहिए। लेट्स गो गाइस। Yeah, I'm sipping on some Hennessy, cruising down Rodeo on my 2C. Spent a couple racks on some dope shit. I got them boys lit, and that's just what it is. You wanna get inside, but you gotta know the price. I'm about to take what's mine, taste my fucking time. तो गाइस यार, अभी मेरी मैक्सिमम स्पीड आ रही है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है प्लेन रोड पर, और मुझे बहुत कम स्पीड लग रही है ये। तो एक बार वो ट्रायल ले रहा हूँ मैं, और बीच में थोड़ी बताने में भी गड़बड़ हो गई थी, स्पीड मीटर को बताने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन फिर भी 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही आई है। तो एक बार और ट्रायल करता हूँ, इसको बीट करने की कोशिश करूँगा, थोड़ी ज़्यादा स्पीड लाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं आती है या फिर नहीं आती है, क्योंकि बहुत कम स्पीड है यार 46 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए फटाफट से एक बार और ट्रायल लेते हैं, ज़्यादा स्पीड लाने की कोशिश करूँगा। तो रेडी गाइस सेकंड राउंड के लिए। गाइस यार, आपने मेरी मैक्सिमम स्पीड तो देख ली होगी प्लेन रोड पर, 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है। दो बार ट्राई किया मैंने, दोनों बार में लगभग सेम ही स्पीड आई है, तो इससे ज़्यादा मेरी मैक्सिमम स्पीड आ ही नहीं रही है। मैं मेरे पूरा कोशिश भी कर लिया है, पूरी दम लगा कर देख लिया मैंने, फिर भी जो स्पीड है बढ़ ही नहीं रही है। तो मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद में हम चेक करेंगे तो पता चलेगा स्पीड बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। अभी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ मैं फ्रेंच टोस्ट के साथ में, तो दिक्कत आ रही है और स्पीड बढ़ नहीं रही है। वैसे मेरे MF 500 की जो स्पीड थी, मैक्सिमम स्पीड आ रही थी वो 38 से 40 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आई थी, उस हिसाब से इसके जो व्हील्स है वो ज़्यादा बड़े हैं तो ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए थी, लगभग 48 की समथिंग तो आ ही जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं आई है, तो मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिग व्हील्स है और एवेक 9 के बेयरिंग्स से उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पीड आनी चाहिए थी, 50 के समथिंग तो जाना ही चाहिए था, लेकिन अब शायद मेरे में फॉल्ट है या फिर इनकी स्पीड इतनी रहती है वो मुझे नहीं पता है, देखना पड़ेगा आगे जाकर प्रैक्टिस करके इसकी स्पीड नाप कर देखेंगे तो पता चलेगा मेरे में फॉल्ट है कि ये स्केट्स में फॉल्ट है, इनकी स्पीड कम आ रही क्या रही है, तो देखेंगे बाद में। आज के लिए तो इतनी ही स्पीड आएगी, मैंने पूरा दम लगाकर देख लिया है, कुछ नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ भी नहीं रही है और अभी तो थकान भी हो चुकी है, दो बार मैंने पूरी दम लगाकर दौड़ने की कोशिश करी है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम अगर स्पीड बढ़ जाती है तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, व्लॉगिंग करते हुए, तो बाय गाइस।